नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम मधु की रसोई में भंडारे वाले छोले भंडन बनाने जा रहे हैं। छोले में लगने वाली सामग्री है, क्योंकि हमने सबसे पहले छोले उबालने हैं, तो हमने एक बड़ा कटोरी सफेद काबुली चने ले लिए हैं, जिसको हमने अच्छे से साफ पानी में धो लिया है। 2 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 1 दालचीनी, 4 तेज पत्ते। अब चाय पत्ती को हमने एक अलग सूती कपड़ा लेकर उसमें बांधना है, और तेज पत्ते को छोड़ के बाकी हम मसालों को भी हम एक अलग टुकड़ा लेंगे सूती का, उसमें बांधना है। हमने चाय पत्ती को अलग सूती कपड़े में बांध लिया है, और मोटे मसालों को भी हमने अलग सूती कपड़े बांध लिया है। अब हमने कुकर लेना है, उसमें हमने धुले हुए चने डाल देंगे। और इसी कटोरी के नाप से हमने 3 कटोरी पानी डालना है। और साथ में हमने इसमें चाय पत्ती की पोटली, मोटे मसाले की पोटली और तेज पत्ता डाल देना है, और इसका ढक्कन लगा के हमने बंद करके रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। पानी हमने गर्म लिया है। छोले को भिगोए 5 घंटे हो गए हैं। अब हमने इनको उबलने रखना है, तो उसमें सबसे पहले हमें तेल डाल देना है 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, पोटली अंदर ही रहने देनी है। हमने छोलों में 5 सीटी लगानी है, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। कुकर में 5 सीटी आ चुकी है, अब गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। छोले उबालने के बाद हमने छोलों में तड़का लगाना है, तो उसमें लगने वाली सामग्री है 3 टमाटर, जिनको उबाल के हमने छिलके उसकी प्योरी बना ली है, नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने छोलों में भी नमक डाला है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अनारदाना पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चना मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 4 लंबी स्लाइस की हुई हरी मिर्च और कुछ स्लाइस किए हुए टुकड़े अदरक के। बनाने के लिए रिफाइंड तेल, 20 ग्राम बटर, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। सबसे पहले हम बटर डालेंगे, साथ ही हमने तेल डाल देना है। बटर भी मेल्ट हो चुका है और तेल भी पक चुका है। अब इसमें हमने टमाटर प्यूरी डाल देंगे। सेकेंड के लिए यानी 1/2 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। तीस सेकेंड हो चुके हैं, अब इसमें हमने सामान डाल देंगे, बाकी मसाले काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर,
धनिया पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च, मिर्च आप इसमें अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, हल्दी, चाट मसाला, अनारदाना पाउडर हम बाद में डालेंगे। इसको भी हमने आधा मिनट यानी 30 सेकंड के लिए भूनना है। कुकर में से स्टीम भी निकल चुकी है, अब इसमें से हमने पोटली निकाल लेनी है मोटे गर्म मसाले की और चाय पत्ती की, और साथ ही तेज पत्ता भी निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैश करते हुए हमने चनों को मसाले में डाल देना है। मसाला भी तैयार है, अब हमने छोलों को मध्यम आंच में 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। मध्यम आंच में छोलों को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हमने अनारदाना पाउडर डाल देंगे, कसूरी मेथी और हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े। और धनिया पत्ता डाल लेनी है। भंडारे वाले छोले बनके तैयार है, अब हमने गैस बंद कर देनी है और इसे सर्व करेंगे। भंडारे वाले छोले बनके तैयार हैं। इसे आप जीरा राइस, प्लेन राइस, पूरी, नान के साथ भी खा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूले, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।